बड़ी खबर, बद्दी अग्निकांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के चौथे दिन पहुंचे हैं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बद्दी। हर्षवर्धन चौहान ने विभाग के अधिकारियों के साथ यहां पर मीटिंग की है। मीटिंग के बाद घटनास्थल पर भी पहुंचे हैं मंत्री। तो घटनास्थल पर पहुंचे और देखिए जायजा लिया। यहां आपको बता दें कि अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। भयंकर अग्निकांड हुआ, अचानक से यहां आग लगी। बहुत से ऐसे कर्मचारी थे जो यहां फैक्ट्री के अंदर फंस गए थे और आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बमुश्किल इस आग को काबू किया गया। 2-3 दिन तक यहां आग धधकती रही। मरने वालों का आंकड़ा 5 का के। हर्षवर्धन चौहान पहुंचे, अधिकारियों से उन्होंने राहत बचाव कार्यो को लेकर बातचीत की, चर्चा की और उसके बाद देखिए घटनास्थल पर भी पहुंचे हैं हर्षवर्धन चौहान। देखो, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना, बहुत बड़ी घटना हुई है। इसमें जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनकी गलती है, उनकी त्रुटि है, उनकी कमी है। उनके खिलाफ FIR भी कर दी गई है। जो इनका जो प्लांट हेड है उसको अरेस्ट भी कर दिया गया और अलग अलग धाराओं के तहत जो है FIR भी लॉज हो चुकी है और जो उनके ओनर हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। तो निश्चित रूप पे जो गलती हुई है वो तो उसके फैक्ट्री वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। सर फैक्ट्री वाले तो हैं, पर आपके डिपार्टमेंट से कुछ लोग हैं उनको डिपार्टमेंट के। सर जो आपने खुद बोला है अभी कि NOC जो या इनको NOC मिली थी अभी और 2023 में भी एक नोटिस हुआ था इस कंपनी को कुछ। देखो ऐसा है कि अभी हमने जहाँ जहाँ जिस फैक्ट्री में त्रुटि होगी, कमी होगी, किसी भी अधिकारी द्वारा की गई होगी, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और हमने टास्क फोर्स बनाई है। हमने टास्क फोर्स इसीलिए बनाई है कि अभी हमने ये भी कहा है कि जो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई उन फैक्ट्रियों को कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे पदार्थ हैं जो जल्दी आग पकड़ते हैं, उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको विजिट करेंगे। हमने मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को कहा है कि उसकी लिस्ट हमको आइडेंटिफाई करके तुरंत दें और हम सबसे पहले उन फैक्ट्रियों को टारगेट करेंगे, उनको विजिट करेंगे, उनको देखेंगे कि जहाँ पे ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत डेंजरस या ख़तरनाक टाइप से हैं। और अगर किसी भी स्तर पे किसी भी अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई होगी निश्चित रूप पे उसके खिलाफ एक्शन होगा। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आना चाह रहे थे मगर परसों पूरे दिन शिमला में मौसम ख़राब रहा, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा। कल भी मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुद था, हम दोनों ने आना था मगर मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे हिदायत दी है कि किसी भी अधिकारी द्वारा त्रुटि, कमी, गलती या होगी उसको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। सर 462 कंपनियां हैं जिनके पास NOC नहीं है और ये 2021 की सर लिस्ट है। नहीं देखो, अब आप मुझे जानकारी दे रहे हो, मैंने अंदर भी ये बात कही है कि जहाँ जहाँ NOC नहीं है, जहाँ कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसकी विस्तृत जाँच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है उस पर सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ भी। सर हादसे के बाद भी जांच क्यों, पहले क्यों जांच? इनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं देनी थी इलाज के लिए, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है बद्दी में, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या सरकार? नहीं देखो, जो जब घटना हुई है प्रशासन के सभी कर्मचारी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आया है और फायर डिपार्टमेंट ने जो आग को रोकने के प्रयास किए, जो भी फायर टेंडर्स थे, फायर की गाड़ियाँ थी, चाहे नालागढ़ की थी, बद्दी ब्रूटीवाला की थी, पंचकुला से लाए, कालका से लाए, मगर वो जो पदार्थ था वो इस किस्म का था, वो पानी से बुझ नहीं रहा था। और हमने ये वाली बात भी की है कि जो हमारे फायर डिपार्टमेंट है वो भी इक्विप्ड हों, उनको ये पता हो कि किस फैक्ट्री में किस तरह का केमिकल है। अब बहुत सारे केमिकल जो है पानी से नहीं बुझते थे, अब ये जो केमिकल था जितना पानी फेंक रहे थे वो बढ़ रहा था। आज जो है हमने बद्दी में जो दुखद घटना हुई है जिसमें 5 लोगों की जान गई है, बहुत दुखद घटना है। आज हमने एक रिव्यू मीटिंग, सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी रिव्यू मीटिंग रखी है जिसमें से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग थे, BB&D है, फायर है, लेबर है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक्साइज है, सभी के जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग हमने आज विस्तृत रूप से यहाँ रखी है क्योंकि ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। मगर हमारी अब कोशिश है कि भाई आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो, उसको रोकने के लिए हमको सरकार को जो है क्या कदम उठाने हैं उस पर आज विस्तृत चर्चा, 2-2.5 घंटे के करीब जो हमने चर्चा की है। ये जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में वायलेशन भी हुआ था, फायर की वायलेशन भी थी, लेबर की वायलेशन भी थी, या बहुत सारी वायलेशन थी। तो आज हमने फैसला लिया है कि हम एक जॉइंट टास्क फोर्स जो है
चार पांच डिपार्टमेंटों की ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाएंगे जो हर फैक्ट्री को विजिट करके देखेगी जो उसमें फायर इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है या सेफ्टी के मेजर्स जो है, जैसे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, कोई और इमरजेंसी हो जाए तो निकासी के लिए जो है उसके जो दरवाजे हैं एक के बजाय दो, एक अंदर से हो एक बाहर से हो, इस तरह से हमने छोटी छोटी प्रोविजन करने का जो फैसला किया है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर राहत और बचाव कार्य चला था और आज मीटिंग ली गई है, खुद पहुंचे हैं मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने घटनास्थल का भी जायजा लिया, अधिकारियों से भी स्थिति को लेकर जानकारी हासिल की है कि किस तरह से राहत बचाव कार्य यहां चले गए, किस तरह से लापता लोगों को लेकर जानकारियां इकट्ठी की गई है। आपको बता दें कि पांच लोगों की जान गई थी और भयंकर यह हादसा रहा था, फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। अब एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसको लेकर जानकारी दी, कहा कि हम तमाम फैक्ट्रियों को लेकर अब जांच करेंगे और ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि किस फैक्ट्री में किस तरह का केमिकल रखा हुआ है, अगर आग लगती है तो फिर कैसे निपटा जाए, कोई भी दुर्घटना होती है तो कैसे निपटा जा सकता है। बड़ी जानकारी उन्होंने ये भी दी है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, इस फैक्ट्री में रखा गया केमिकल ऐसा केमिकल था कि जब उसने आग पकड़ी, जब उसमें पानी डाला गया तो आग और ज्यादा भड़कने लगी। केमिकल को लेकर अगर पहले से जानकारी होती तो आग को बुझाना आसान रहता। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि किस तरह से आग रह रहकर यहां पर लग रही थी, क्योंकि आग बुझाने का प्रयास बहुत हुआ लेकिन आग थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बेहद भयंकर और डरा देने वाला यह हादसा, लेकिन बहुत जरूरत इस बात की है कि हादसों से सबक लिया जाए। बड़ी खबर, बद्दी में अब बिना एनओसी वाली कंपनियों पर बड़ा एक्शन होगा, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बड़ा बयान, जिनके पास एनओसी नहीं है उन कंपनियों पर कार्रवाई होगी, जहां जहां कमियां हैं उनकी पूरी जांच होगी, जांच रिपोर्ट के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी। देखो, अब आप मुझे जानकारी दे रहे हो, मैंने अंदर भी ये बात कही है कि जहाँ जहाँ एनओसीज नहीं है, यहाँ कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो है उस पर सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के बाद ही जांच क्यों, पहले की जांच इनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं देनी थी इलाज के लिए, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है बद्दी में, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या सरकार? नहीं देखो, जो जब घटना हुई है प्रशासन के सभी कर्मचारी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे आया है और फायर डिपार्टमेंट ने जो आग को रोकने के प्रयास किए, जो भी फायर टेंडर्स थे, फायर की गाड़ियां थी, चाहे नालागढ़ की थी, बद्दी ब्रूटीवाला की थी, पंचकुला से लाए, कालका से लाए, मगर वो जो पदार्थ था वो इस किस्म का था, वो पानी से बुझ नहीं रहा था। और हमने ये वाली बात भी की है कि जो हमारे फायर डिपार्टमेंट है वो भी इक्विप्ड हों, उनको ये पता हो कि किस फैक्ट्री में किस तरह का केमिकल है।